आरती जग पावन पुराण की, आरती जग पावन पुराण की, आरती जग पावन पुराण की, आरती जग पावन पुराण की। शांति भ्रांति भय भंजनी, आरती अशांति भ्रांति भय भंजनी, आरती अशांति भ्रांति भय भंजनी, आरती अशांति भ्रांति भय भंजनी। पाप ताप माया मद गंजनी, पाप ताप माया मद गंजनी, पाप ताप माया मद गंजनी, पाप ताप माया मद गंजनी। सुच सेवक मन मानस रंजनी, सुच सेवक मन मानस रंजनी, सुजिसेवक मन मानस रंजनी, सुजिसेवक मन मानस रंजनी। लीला रस लीला रस मधुमय, लीला रस मधुमय पावन पुराणी, आरती जग पावन पुराणी। आला
साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमोस्तु रामाय स्वचलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रग्नियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्य। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृषानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात्जातं नमामि।
जड़ चेतन जग जीव जत सकल जननी मैं जान बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी गुरु गणपति गिरिजा गिरा गिरिधर तिय गौरीश विष्णु विभा कर विविध विधि बंदौ विबुध विधिश। बोलिए भगवती माता कालिका की जय, माता विषहरी की जय, गंगादि सकल देवी शक्ति गण की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर श्याम सुंदर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सकल देवी देवता गण की जय, सकल ऋषि मुनि गण की जय, सनातन शास्त्र की जय, सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, पुरुष भगवान की जय, चंडी महायज्ञ की जय, नवदिवसीय सत्संग कथा यज्ञ की जय, गो माता की जय, गा माता की जय, गंगा माता की जय, उसकी माता की जय, गायत्री माता की जय, भगवान की जय, सत्संग के आनंद की जय, अष्टादश पुराण की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की जय, संतन की जय, सत्संग के आनंद की जय, धाम की जय, धाम की जय, भक्तोर भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, जय जय श्री मांबे। अपने शाश्वत काल से सनातन काल से सतत हृदय चक्र पर, मनस चक्र पर, सहस्त्रसार चक्र पर संस्थित संपूज्य सम्मान्य गुरुतत्व एवं समस्त सद्गुरुदेव भगवान के साथ साथ माता भगवती कालिका के साथ साथ सभी देवी देवताओं के, ऋषि मुनियों के, संतजनों के पावन चरणों पर अपनी आत्यंतिक प्रणति निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात अपने ही से अति प्राचीन शाश्वत सनातन धर्म की भूमि, ऋषियों की भूमि, कृषि ऋषियों की भूमि, कृषि की भूमि, ये आर्ष भूमि, श्रद्धा भावना निष्ठा भक्ति से जुड़ी भूमि, भारतवर्ष के बिहार प्रांत के अंतर्गत भागलपुर जिला नौगछिया अनुमंडल रंगरा प्रखंड अंचल के अंतर्गत भवानीपुर ग्राम में चल रहे समस्त भवानीपुर ग्राम वासियों के पावन तन मन धन के सहयोग से आयोजित नव दिवसीय सत्चंडी यज्ञ और देवी पुराण भागवत कथा के साथ साथ सत्संग के पावन कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित हमारे परमादरणीय स्वामी श्री प्रेमानंद जी, हमारे वंदनीय श्री मंजन प्रसाद सिंह जी, हमारे अर्चनी आचार्य शिवशंकर ठाकुर जी, हमारे परम सम्माननीय बड़े भैया डॉक्टर दीपक मिश्र जी, साथ ही साथ हमारे अभिभावक तुल सम्माननीय हमारे श्री जोगेंद्र प्रसाद यादव जी, साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हमारे परमात्मे स्वामी मानवानंद जी, मानस भागवत के मर्मज्ञ आचार्य प्रेम शंकर भारती जी, चंद्रकांत जी, साथ ही साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे उद्घोषक भाई जय नारायण जी और नंदलाल जी, साथ ही साथ हमारे भाई रोशन जी, बाई ओर बैठे हुए सभी आत्मस्थ हमारे कलाकार बंधुजन, इस समिति के सभी सक्रिय कार्यकर्ता अधिकारीगण, अध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष, सभी युवा सक्रिय अधिकारीगण, साथ ही साथ योग से जुड़े हुए सभी आत्मीजन, साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम में अपनी अपनी सेवा दे रहे सभी आत्मी बंधुजन, साथ ही साथ आज के पावन कार्यक्रम में इस गांव नगर क्षेत्र के अलावे दूर दराज से भी आकर के श्रद्धा निष्ठा पूर्वक
इस बिल्कुल पंतर में, इस बिहार में, देहात में, बिल्कुल एकांत में आकर के भी इतनी इतनी रात में लगभग 10:30 बजने को चले हैं। कथा रस का आनंद लेने वाले सभी श्रद्धालु भक्तजन और हमारी गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती स्वरूपा सभी माताओं बहनों और साथ ही साथ हमारे इस पावन कार्यक्रम में उपस्थित व अनुपस्थित प्रशासनिक अधिकारी जन और साथ ही साथ सभी पत्रकार बंधुजन, साथ ही साथ समस्त क्षेत्रों के उपपीठ के सभी कार्यकर्ता बंधुजन और पावन कार्यक्रम में येन केन प्रकारेण सर्वत्र अपनी सेवा किसी रूप में दे रहे सभी आत्मी जन और यज्ञ को आज पूर्णाहुति करके फिर मंची पूर्णाहुति कार्य को संपादित करने वाले आचार्य कौशलेंद्र जी के साथ सभी आचार्यगण, साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हमारे विश्वनी से पूर्व सबसे पहले उद्घोषणा कार्य जिन्होंने संपादित किया और आज तक कर रहे हमारे आत्मी मनोज मिश्र जी, सभी आत्मी जन, वस्तुतः आज चला चली का खेला है। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला है। आज आपने यज्ञ कार्य में भाग लिया, उत्तर चरण में मंची कार्यक्रम में आपने हमने आज इस मंच से हम आप आचार्य प्रवर शिवशंकर ठाकुर जी के मुख से, साथ ही साथ क्रम में हम चंद्रकांत जी के मुखारविंद से, मानवानंद जी के मुखारविंद से, हम परमात्मी भारती जी के मुखारविंद से और बड़े भैया डॉक्टर दीपक मिश्र जी के मुखारविंद से सत्संग प्रवचन के साथ साथ भजन का आनंद हमने अपने सबने लिया। वस्तुतः आज का जो दिन है समापन का दिन औपचारिकता का है। कल आपने देखा था हमने अपने सबने कथा आरंभ की और इधर इंद्र भगवान चले दालकोला से, पश्चिमी बंगाल से होते हुए आए दालकोला किशनगंज होते हुए जैसे टपे वो मेन रोड NH नहीं पकड़ करके बिहारे बिहार बनिया का रूट पकड़ करके पहुंच गए यज्ञ स्थल पर। और आप सब लोग जान रहे हैं कि ये वर्षा बीरपुर में नहीं पड़ी है, दूसरे जगहों पर नहीं पड़ी है। और इंद्र भगवान अपने दल फौज के साथ जैसे भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में वर्षा पड़ाए थे ना 7 दिनों तक भगवान का उंगलियाँ उंगली पर पत्थर पर्वत को उठाए रहे, ठीक उसी प्रकार कल इंद्र भगवान भी अपने दल फौज के साथ पहुंच गए है ना। और सभी भक्तजन ये पंडाल को उठाए रहे कुंगलियाँ उंगली पर और इधर वर्षा होती रही, सब लोग भीगते रहे। जब तक उत्तर चरण की आरती नहीं हुई कम समय में ही सबने आनंद लिया। लेकिन कल ही सभी भक्तों के साथ हमारे इन गायकों ने जैसा बादल को डांटा ना कि रे बदरवा तू थम के बरसो, यहाँ भक्ति रस बरस रही है, अध्यात्म का रस बरस रहा है, तू कहाँ से है। और वो कह रहा था मैं भी इस गांव में बरसना चाहता हूँ, भवानीपुर ग्राम में शांति के लिए। घर पर बरसता हूँ, आदमी पर बरसता हूँ, रास्ते पर बरसता हूँ, मंच पर बरसता हूँ, लंच पर बरसता हूँ, संच पर बरसता हूँ, प्रपंच पर बरसता हूँ, है ना, हर चीज पर बरसा करके हर गांव के गली गली को, व्यक्ति व्यक्ति को, घर घर को, सब चीज को बिल्कुल ठंडा कर दूंगा। जैसे गर्मी में आदमी सब बोल करता है ना, पंखा चलाइए, कूलर चलाइए, जो भी चीज चलाइए, गर्मी शांत नहीं होती है उतनी, है ना, एसी चलाइए, लेकिन थोड़ा सा पुरवैया अगर गमक जाता है ना, थोड़ा सा पुरवैया का महक गमक चमक दमक लग जाता है ना, तो फिर क्या झलक है ना, तुरंत सब शांत हो जाता है। इसीलिए इतनी व्यवस्था के साथ पता चला कि फिर भी गर्मी है, भगवान ने सोचा कि थोड़ी थोड़ी देर मैया ने कि सबको भिजा करके फिर थोड़ी थोड़ी पुरवैया देंगे कि अधिक व्यवस्था फैन की नहीं करनी होगी, है ना भैया। ये कल बहुत काम का वजन आया भैया, बहुत अच्छा। तो ये बात है आज कार्य के साथ बहुत सारी औपचारिकताएँ भी हैं और अनेक प्रकार के संदेश आपने आज सुने। इस उद्गार के क्रम में भी कुछ कुछ और भी उद्गार और भी भाव आज हैं और निश्चित रूप से कल विसर्जन भी हैं। तो 2-3 सूचना हम पहले कर दें। सामान्यतया
कल विसर्जन में जहाँ सूतक लगा हो, मुझे पता चला है कि एक जगह कुछ जगह सूतक भी लगा है, तो वहाँ वो लोग कलश नहीं उठाएंगे, उन कलशों को ट्रैक्टर पर आप लाद देंगे। साथ ही साथ जहाँ जल भराया है उस कुएं में दो प्रधान कलश का जल विसर्जित होगा, दो प्रधान कलश का जल, ये सारे मिट्टी के घड़े ये कलश उस कुएं में नहीं फेंकने हैं, दो प्रधान कलश का जल उसमें जाएगा। और साथ ही साथ यात्रा जो है सो दो मार्ग है, चयनित आप लोग कर लेंगे, या तो मुख्य मार्ग से या फिर घूम करके जिस मार्ग से आई उस मार्ग से, या चयनित कर लेंगे कि इस मार्ग से जाकर सरस्वती स्थान से निकलते हुए फिर आगे बढ़े, है ना, ये चयन आप सब लोग कर लेंगे। फिर वहाँ जाकर के दो मुख्य कलश का जल वहाँ गिर जाएगा, और साथ ही साथ शेष कलश को जहाँ तालाब हो, सरोवर हो, नदी हो, वहाँ आप सब लोग विसर्जित करेंगे मूर्ति को। लगता है कि 16 में कृष्ण कथा हुई थी इस पावन ग्राम में, और प्रकृति बसात कोई संसार में व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सब अशांति चाहता है, एक कीड़ा पतंग पशु पक्षी सब शांति चाहता है, यहाँ तक कि हिंसक पशु सिंह भी, बाघ भी, अन्य जीव जंतु भी, सब जो है शांति चाहता है। ना कोई ऐसा आदमी मिलेगा, ना पशु पक्षी मिलेगा, एक बिच्छू भी, एक सर्प भी, वो भी शांति चाहता है, जितने भी जीव जंतु हैं सब शांति चाहता है। और मुझे लगता है कि शांति की तलाश या खोज भी हर व्यक्ति करता है, शांति की तलाश और खोज भी हर व्यक्ति करता है, तो उसी खोज तलाश में कभी कभी शांति खोजते खोजते नहीं मिलता। पूरी दुनिया में आदमी कभी यहाँ खोजता कभी वहाँ खोजता और खोजते खोजते नहीं मिलता है, और कभी कभी शांति बैठे बैठे मिल जाती है, है ना। ट्रेन पर चढ़ के, रिक्शा पर चढ़ के, बक्सा ले करके, है ना, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, बस से, हम आप कहाँ कहाँ शांति खोजें तो बड़ी मुश्किल है ढूंढना। उसके लिए बैठ कर के कैसे शांति मिले, संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने बताए कि सत्संग भजन बैठ कर के करना चाहिए जीवों को, और इससे बैठे बैठे शांति मिल जाती है, इससे बैठे बैठे शांति मिल जाती है, ना कहीं खोजना पड़ता है, ना भटकना पड़ता है। जब तक इन 9 दिनों में कुछ ना कुछ शांति ना मिली, उस 3 दिन के असर का असर ऐसा हुआ कि लोगों को फिर सत्संग भजन अच्छा लगने लगा। सभी यहाँ के कार्यकर्ता लगातार 2 साल से लगे हुए थे कि फिर भजन सत्संग हो माँ के दरबार में, लेकिन ये घटा इस वर्ष बरसनी थी यहाँ, और माता पुरानी कालिका के स्थान में हमने अपने आनंद लिया, सरस्वती स्थान में भी उस वर्ष कथा हुई थी, और पुरानी काली स्थान, वैष्णवी काली स्थान में ये कथा का आनंद माता विषहरी के समक्ष हम आप ले रहे हैं। यहाँ समिति के सभी कार्यकर्ताओं से निर्देश है, धीरे धीरे सब लोग, ये दोनों मंदिर प्राचीन हैं, प्रयास करें सब लोग मिलजुल करके इस मंदिर को और भी व्यवस्थित करके बड़ा बनाने का, और बड़ा बनेगा। जब ये जागृति लाना ही काम है, सत्संग का उद्देश्य है हर जीवों में, हर व्यक्ति में, हर ग्रामवासियों में, उन सोए हुए व्यक्ति में जिसको हुरकुचा देने के बाद भी नहीं उठता है, नहीं उठाया जाता, उसको हम सत्संग से, भजन से उठाते हैं, और लगता है कि ये सारा का सारा ग्राम क्षेत्र जग चुका है। दोनों मंदिर का निर्माण धीरे धीरे करें, साथ ही साथ कि कोई भी मंदिर बनकर के अगर उसमें हम आप नहीं जाएं, सही समय पर पूजा भोग राग नहीं लगाएं, मंदिर वो छोटा हो कि मंदिर विशाल हो, है ना, धीरे धीरे भगवान भी देखते हैं कि इस मंदिर में तो एक को आदमी से भेंट नहीं है, भजने वाले से भेंट नहीं है, भगवान भी रास्ता छोड़ देते हैं, दूसरे जगह चले जाते। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं
के कुल देवता कहीं भागी गेल छै कि कन्हो चलो गेल छै कि हमरा बुझाय नहि छै कनियोटा सर। फल्ला मंदिर गेलिए कोई रौनके नहि बुझाय छै, संगमरमर टाइल सब लगलो छै यहाँ वहाँ, लेकिन गेलिए तऽ कुछ बुझाय नहि छै कि यहाँ कुछो छै, कुछ नहि बुझाय छै कि यहाँ कुछो छै। तात्पर्य है कि भगवान में हम आप जितनी निष्ठा रखेंगे, सेवा पूजा करेंगे, जल फूल देंगे, उनका दर्शन करेंगे, वो स्थान उतना जागृत होता है। छोटा बड़ा यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई धार्मिक कार्य जरूर करें। और मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र में कम ही जगह माता बिसहरी की मेला लगती है, काली मेला तो बहुत जगह लगते हैं। मुझे लग रहा है कि इस जगह पर बिसहरी मेला प्रतिवर्ष लगेगा किसी न किसी रूप में, ये मुझे आभास हो रहा है। और इसके लिए सब आशीर्वाद है कि सब ठीक रहेगा उसमें। निश्चित रूप से ख्याल इतना ही रखना है, कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी मेला जरूर सब लोग ग्रामवासी करेंगे, लेकिन आप सभी एक ख्याल रखेंगे, हम कहीं रहें एरिया में अगर रहे, कुछ खबर मिल गई तो हम चले आएंगे, हम चले आएंगे निश्चित रूप से। और कहीं भी रहें, आप कर भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सुने में भी करें, मेरे लिए मकई का रोटी रख दें, मेरे लिए मकई का रोटी रख दें, केला का भुजिया रख दें और मालदह आम। आम की कथा हमारे डॉक्टर दीपक भैया कह रहे थे ना कि गुठली ऐसा चीज़ है ना कि इसको 17 बार चुभा जाता है, अगर घोटा गया तो फिर पेट में गाँच हो करके वहाँ भी फर करके रस चूसना शुरू कर देता है, मुख में तो जाता है आता है बेचारा, ये काम होता है। तो अगर इसमें मकई रोटी के साथ केला है, थोड़ा साग भी रख देना है और उसमें रख दीजिएगा आम, हो जाएगा सब काम, है ना। केवल रख देना है, हम कहीं रहेंगे बैठे बैठे खा जाएंगे। आज लगभग क्या दिन हो चुका था, कुछ लोगों से मकई रोटी मंगाए, साग मंगाए, और समिति में आज चूँकि गांव है दूध दही का, यहाँ भी दूध दही की नदी बहती है, पंसलवा में भी दूध दही का नदी बहता है, लतरा में भी कार्यक्रम होता था दूध दही की नदी बहती थी, यह गांव भी दूध दही का गांव है, यहाँ भी नदी बहती है, कहाँ कहाँ दूध दही यहाँ का लोग जाते हैं खाते हैं। एक बार ऐसा दही मिला कि उसको कुदार से लोग काटने का प्रयास किए, नहीं कटा, कंतरा फट गया, उसके बाद प्रयास करें लोग छेनी से काटने का, तब कैसे कैसे ससरा कचिया खुरपी को बदौन ने दिया उदही बेचारा, है ना। इसलिए और देखिए समिति की ओर से आज सभी भक्तजनों के लिए था पूरी और है सब्जी, और क्या है पूरी सब्जी के साथ, ये क्या है, ये क्या है, खीर न है, यह तस्मय श्री गुरुवै नमः, तस्मय श्री गुरुवै नमः, तस्मय श्री गुरुवै नमः। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा तस्मय भी गुरु जी को पूरी सब्जी के साथ खिलाते रहना है, पूरा जिंदगी पूरा काम चकाचक रहेगा। मैं इस आज के पावन कार्य में हम मंच पर उपस्थित हम अपने परमादरणीय स्वामी श्री प्रेमानंद जी, साथ ही साथ श्री मंजन प्रसाद सिंह जी, आचार्य प्रवर शिवशंकर ठाकुर जी, साथ ही साथ बड़े भैया डॉक्टर दीपक जी, हमारे बाम कोलाचार्य कामरूप का मुखिया से इनके प्रति आभार प्रकट होते हुए, और बाम कोलाचार्य के साथ साथ श्री कुंदन बाबा के प्रति बिल्कुल भाव मनोभाव रखते हुए उन्हें आगे आगे बिल्कुल उच्च साधना में यानी आकाश मार्ग से प्रवेश करने में आशीर्वाद देते हुए स्वामी मानवानंद जी, हमारे आचार्य प्रेमशंकर भारती जी, चंद्रकांत जी, जिन्होंने समस्त लोगों ने अपनी वांगमयी सेवा इस मंच से दी, सबको सबके प्रति साधुवाद के साथ इस गांव नगर क्षेत्र के अलावे दूर दराज से आए हुए सभी श्रद्धालुओं भक्तजनों के प्रति, समिति के सभी आत्मीयजनों के प्रति, मंचस्थ सभी कलाकार बंधुओं के साथ साथ इस कार्य में सेवा दे रहे हमारे सभी
राहुल जी, साथी विकास जी, पंडाल कार्य से, प्रसाद कार्य से जुड़े हुए सभी समस्त क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को, यज्ञ के आचार्य कौशलेंद्र जी के साथ सभी आचार्य गणों को, हम अपने दो दो उद्घोषक महोदय को, लीला से जुड़े हुए सभी व्यक्ति को, साथ ही साथ धावक जी को और साथ ही साथ उपस्थित सभी जनों को भगवान की ओर से, माता जगन माता कालिका की ओर से मांग करके सुख शांति समृद्धि उन्नति प्रगति के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आपके जीवन में श्रद्धा निष्ठा भक्ति बनी रहे, सुख शांति उन्नति होता रहे, लेकिन श्रद्धा निष्ठा भक्ति बनी रहे, अपने इष्ट के चरणों में, भगवान के चरणों में सब समर्पित रहे और किसी भी अवस्था में रहें, माँ के नाम को, ईश्वर के नाम को, भगवान के नाम को, दुर्गा के नाम को, काली के नाम को, राम के नाम को, कृष्ण के मान नाम को, शिव के नाम को, पार्वती के नाम को, गणेश के नाम को, सूर्य के नाम को, प्रभु के नाम को हम आप कभी न भूलें। और जो लोग नाम भूलेंगे उनका काम तमाम है, और जो नाम जपेंगे रटेंगे उनको पूरा लाल सलाम मिलेगा, हर आदमी उनका सम्मान करेंगे, भगवान भी जिस अवस्था में खोजेंगे जो चीज़ वो प्रदान करेंगे। चलिए दो बार भगवान का मेरे साथ नाम, फिर भगवान की पावन कथा में, चूँकि कल शुंभ निशुंभ जिंदा रह गए थे और आज ये फिर कहाँ से घूर करके चले आए हैं जाह्नवी चौक से पता नहीं, इसलिए आज दोनों को मारना जरूरी है। और शुंभ निशुंभ का वध भगवती करेंगी, आनंद लेंगे सब, एक दो बार भगवान का पावन नाम, फिर आनंद लेंगे सब लोग। और भजो भैया दुर्गा काली नाम, भजो भैया दुर्गा काली नाम, बोलो हे मैया दुर्गा काली नाम, बजाओ भैया दुर्गा काली नाम, बजाओ भैया दुर्गा काली नाम, बजाओ भैया दुर्गा काली नाम, यह नाम यह नाम कापी के पैभो, यह नाम कापी के पैभो, सुख शांति विश्राम, सुख शांति विश्राम, बजाओ भैया दुर्गा काली नाम, बजाओ भैया दुर्गा काली नाम। जो लोग खड़े हैं सब बैठ जाए भैया, बैठ करके भजन सुने अच्छा रहेगा, जितने लोग गेट पर खड़े हैं सब बैठे हैं। सब आदमी बैठ जाइए, जितने लोग गेट पर खड़े हैं भैया। सब लोग बैठ जाए, जब तक भजन हो रहा है तब तक सब लोग बैठ जाइए, जितने आदमी हैं सब, आप भैया बैठ जाइए, सब लोग सबको बिठा दीजिए, खाली जगह है, जितने आदमी हैं सब बैठ जाइए।
मार्कंडे यशु मेधा सब मिली, मार्कंडे यशु मेधा सब मिली, यह नाम सब गल के, यह नाम सब गल के, यह नाम से सुरथ समाधि, यह नाम से सुरथ समाधि, राज भक्ति सब पैल के, राज भक्ति सब पैल के, सुर नर मुनि गण सब के मिलले, 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 चिर सुख आनंद धाम, चिर सुख आनंद धाम, बजाओ भैया दुर्गाका, बजाओ भैया दुर्गाका नाम, बजाओ भैया दुर्गाका नाम, बजाओ भैया दुर्गाका नाम, बजाओ भैया दुर्गाका नाम, बजाओ भैया दुर्गाका नाम। करके गद को बिल्कुल कम बजाना है, केवल उंगली से कम, गांव भवानी पुर में आवी, गांव भवानी पुर में आवी, सतचंडी जग लदैलिए, सतचंडी जग लदैलिए, नौ दिन के सत संग कथा सब, नौ दिन के सत संग कथा सब, सुनै बला के सुनैलिए, सुनै बला के सुनैलिए, अच्छा लागल हूँ हरदम रखो, अच्छा लागल हूँ हरदम रखो, मुखम माए के नाम, मुखम माए के नाम, बजोरे भैया दुर्गाका, बजो भैया दुर्गाका नाम, बजो भैया दुर्गाका नाम, कोई कोई पूछे छे
एते एते बवार मंचो पर बैठलो रहे छे आबे छे कहां कहां तक द्वारका सी अयोध्या से कही से सब बैठलो रहे छे सबके काम किछ के ते तक गबियार झाल लाल बजते रहे छे सबके काम किछ के कोई कोई पूछी दे छे उत्तर छे हमरा सब के काम यह छे हमरा सब के काम यह छे सतसंग जग्य करे भौ सतसंग यज्ञ करे भौ सतसंग जग्य करे भौ सतसंग यज्ञ करे भौ तोरे खर्चा कराए के भैया तोरे खर्चा कराए भैया भजन के गंग बहे भौ भजन के गंग बहे भौ भजन के गंग बहे भौ भजन के गंग बहे आदमी सब के सुधार लेली आदमी सब के सुधार लेली जाए छी गाँव में गाँव जाए छी गाँव में गाँव बजोरे भजोरे भैया दुर्गा काली जीवन में जो गड़बड़ कर जीवन में जो गड़बड़ कर अपने सब पछते अपने सब पछते सत्संग भजन से अपनो जीवन सत्संग भजन से अपनो जीवन के सब सफल बने के सब सफल बने क्रिया खाइले कभी नहीं करबे 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 कहियो गलती काम कहियो गलती काम कोनो गलती काम कोनो गलती काम बजोरे भैया दुर्गा काली बजोरे भैया दुर्गा काली बजोरे भैया गौरी शंकर नाम बजोरे भैया गौरी शंकर नाम बजोरे भैया गणपति सूरज नाम बजोरे भैया गणपति सूरज नाम बजोरे भैया सीता सीताराम भजोरे भैया सीता सीताराम भजोरे भैया राधे राधे श्याम भजोरे भैया राधे राधे
सुम्भ बद्ध और मैंने एक चर्चा की थी कि एक कथा है कि जिसमें देवी के सहस्र आँखें बरसा हुई थी। उस कथा में है कि दुर्गम नाम का एक दैत्य था, हिरणाक्ष के वंश में रुरु नाम का एक राक्षस हुआ, उसका पुत्र था दुर्गम, और दुर्गम ने घनघोर तपस्या की। ऐसी तपस्या की कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना की, तपस्या की, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया उनको बहुत बहुत दिनों तक हवा पी करके, जल पी करके कठोर तपस्या जब की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी से वरदान उन्होंने मांगा कि ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए कि सब जगह मेरा ही साम्राज्य स्थापित रहे, सब जगह मेरा ही सब कुछ हो, सभी देवताओं पर अधिकार हो जाए। अमरावती स्वर्ग की राजधानी थी जहाँ इंद्र रहते हैं, वो सारे के सारे जगहों पर दुर्गम का अधिकार हो गया। दुर्गम का जब अधिकार हो गया तो दुर्गम ने अपना शासन चलाना शुरू किया। असुर थे, उनको यज्ञ अच्छा नहीं लगता था, जहाँ भी यज्ञ होता था कहता था ये यज्ञ बंद करो, खबरदार, यज्ञ तुरंत बंद हो जाता था डर से। जहाँ भी सत्संग भजन प्रवचन होता था कहता था ये सब अच्छा नहीं लगता है, जैसे हिरण्यकश्यपु कहता था ना, जब भक्तराज प्रहलाद भजन गाता था उनके सामने तो कहता था ये सब बंद करो, मेरे दुश्मन का नाम मत लो, ठीक वैसे ही कहा करता था कि ये सब सत्संग भजन कथा बंद करो, वेद पाठ बंद करो, सारी ऋचाओं को बंद करो, यानी भजन सत्संग जो भी आस्तिक साधन है, भगवान की पूजा बंद करो, मैया की पूजा बंद करो, ये सब जितने हैं मूर्ति इनको तोड़ डालो, इन सब को हटाओ, ये सब में कुछ नहीं है। ऐसे ही वो दुर्गम दैत्य किया करता था। जब बहुत दिनों तक वेदादि पाठ बंद हुए, यज्ञ बंद हुआ, हवन बंद हुआ, 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुआ। 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होने के कारण इधर पृथ्वी पर अन्न होना बंद हो गया। कितनों लोग कुछ करें, आखिर पटवन भी हम आप करते हैं सब लोग, तो उसी मिट्टी से जल खींच करके या नदियों के द्वारा
पृथ्वी के अंदर से जल खींच करके या नदियों के द्वारा या वर्षा के द्वारा 100 वर्षों तक न वर्षा हुई, पृथ्वी का भी जल समाप्त हो गया, साथ ही साथ नदी तालाब भी सूख गए। तो जब प्राणी छटपट करने लगा, खाने के लिए बेचैन होने लगा, सबों ने मिलकर के, देवताओं ने, देव भी त्रस्त हो गए, मुनि ने, सब ने मिलकर के माता की प्रार्थना की, आराधना की हिमालय पर जा कर के कि हे मैया तू मेरा कल्याण करो। और सबों ने जब प्रार्थना की, मैया द्रवित हुई। मैया ने पूछा क्या बात है बताओ, तो बोले कि मैया एक दुर्गम नाम का असुर है जिसके कारण से सारी प्रजा पीड़ित है, 100 वर्ष तक कोई फसल नहीं हुआ और ना वर्षा हुई है, जल के लिए सब लोग विकल हो रहे हैं। अंत में दुर्गम नामक देखते के लिए मैया ने कहा कि मैं उससे युद्ध करूंगी और मैं उसका संहार करूंगी, फिर वैदिक धर्म का संचालन होगा, पालन होगा, फिर यज्ञ होंगे, सत्संग होंगे, प्रवचन होंगे, कथा होंगे, पृथ्वी खुशहाल हो जाएगी, सारे जनता, सारे मनुष्य आनंद में हो जाएंगे। तब अंत में हुआ क्या, माता की प्रार्थना से, सभी देवों की प्रार्थना से माता रिझ गई। अंत में माता के साथ दुर्गम का संग्राम हुआ, कई कई हजार सेनापतियों को, सेनाओं को लेकर के कई कई दिनों तक युद्ध हुआ और अंत में माता ने दुर्गम नामक दैत्य को मार दिया, संहार कर दिया। और कैसे किया, उस माता का स्वरूप कैसा था, उस माता का स्वरूप था शताक्षी, उनका नाम था उस दुर्गा का शताक्षी। उनके शरीर में हजारों आँख थे और हजारों आँख के कारण जब दुर्गम नामक दैत्य को मार देती हैं माता तो नाम पड़ता है दुर्गा, नाम पड़ता है दुर्गा, दुर्गमालोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी जो 32 नाम में है। और इस प्रकार मारने के बाद माता के जो हजारों आँख थे उससे अश्रु धाराएँ प्रवाहित हुई, जल जब प्रवाहित होने लगा उन हजारों आँखों से, नदी भर गए, तालाब भर गया, पोखरे भर गए, पृथ्वी में काफ़ी जल चला आया, अंदर भी चारों तरफ जल ही जल हो गया, उससे अनेक वनस्पतियाँ हुई और साग उत्पन्न हुआ। साग एक ऐसा चीज है कि थोड़ा सा ताव लगा, उस पर गर्मी लगी, हल्का सा नमक दे दीजिए, है ना, तुरंत साग तैयार हो गया। और साग तैयार हो गया, लोग तुरंत खा सकते हैं उसको, है ना। और ये कितना प्रसिद्ध साग है, सारे विटामिनों से युक्त, बिल्कुल क्लोरोफिल से युक्त। और साग का भक्षण, साग की उत्पत्ति हुई, सबों ने उस साग को खा करके सभी देवी देवताओं को, सुर नर मुनि को शांति मिली। सबसे पहला वनस्पति जब सूख गए थे पूरे के पूरी, साग उत्पन्न हुआ और साग उत्पन्न करने वाली माता का नाम शाकंभरी हुआ, उसी माता का नाम शाकंभरी हुआ। दुर्गा सप्तशती में भी चर्चा आई है और शाकंभरी माता कुलदेवता भी है राजस्थान में, है ना, कुलदेवता भी है राजस्थान में शाकंभरी माता। चलिए, माता शताक्षी, माता शाकंभरी का चरित्र हमने आपने सुना और माता दुर्गा वही दुर्गा हूँ और माता ने सबका कल्याण किया, इस प्रकार ये नाम भगवती का पड़ा। कल आपने देखा था ना, माँ ने रोना शुरू कर दिया, है ना, और उनकी अश्रुधारा से सारा का सारा आप्लावित हो गया। ये बताता है कि इस बार क्षेत्र में, पूरे जगह में शस्य धान्य फसल अच्छे होंगे और यज्ञ भगवान की पूर्णता उसी में है। यज्ञ के आदि में वृष्टि, मध्य में वृष्टि, अंत में वृष्टि हो ना हो, तो आदि में, अंत में, मध्य में कहीं भी कुछ चन वर्षा हो जाए तो वो यज्ञ मानिए सफल है। बोलिए जगदम्बा भगवती की जय। एक मैया का सुंदर सा भजन का आनंद लेंगे। Ah
प्यारा सा भजन माता के चरणों में जय 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 दुर्गा महरानी आदि सदा जय 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 दुर्गा महरानी जय 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 उपस्थित है डॉक्टर बी एल चौधरी साहब, हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि उनको मंच पर लाया जाए। डॉक्टर बी एल चौधरी नीचे हैं, उनको इधर लाया जाए। और ये भीड़ हटाइए गेट पर से, बड़ी तकलीफ हो रही है गुरुदेव जी को। आशीर्वाद क्या देंगे, उल्टे हो जाएगा, हट जाइए रास्ते से। खुशबू पवनी पति पति पावनी जी खबर धीरे धीरे आने दे, गुरुदेव से आशीर्वाद लेना है। खबर वहीनी पतित पा
आए हैं, हम चाहेंगे कि आप भी आए श्री के पास। जय 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 दुर्गा महारानी, जय 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 दुर्गा महारानी। जय हे मंगल मई भवानी, जय हे मंगल मई भवानी, मंगल मई जय हे मंगल मई भवानी, जय हे मंगल मई भवानी, जय हे मंगल मई भवानी। सर्व मंगला हे शुभदायिनी, सर्व मंगला हे शुभदायिनी। जय 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 दुर्गा महारानी, जय 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 दुर्गा महारानी। आदि शक्ति विदित भवानी, आदि शक्ति विदित भवानी। जय 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 दुर्गा महारानी। जय 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 विंध्या चल रानी, जय 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 दुर्गा महारानी। निशुंभ कहते हैं, अरे अरे तुम कौन हो, तुम कौन हो बताओ बताओ।
दुर्गा जी कहती है मैं दुर्गा हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मेरा नाम दुर्गा है, मेरा नाम दुर्गा है। निशुंभ कहते हैं तो तुमको मेरे बड़े भाई ने, मेरे बड़े भाई ने, शुंभ ने बुलाने भेजा था कई बार। अब तुमने सबको दिया मार। सब गया तुमसे हार। इसलिए बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। दुर्गा जी कहती है इच्छा मेरी कुछ नहीं है। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे जैसे असुरों का संहार करना। कहते हैं निशुंभ तो यही आओ फैसला करो और आज मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम जिंदा चलोगी मेरे साथ मेरे भाई के पास तो चलो। वो तुम्हें रानी बनाएंगी और यदि नहीं जाओगी ना तो तुमको आज हम युद्ध में मार देंगे। ओ, दोनों परस्पर युद्ध करते हैं। माइक बड़के भैया को दे दीजिए, बोल दीजिए ओ भैया, ओ निशुंभ, जरा सा माइक निशुंभ को, ओ निशुंभ जरा सा, हाँ बोल दो भैया को, भैया अब हम जाए छियो लड़ाई ले ली मरीज भान तो नहीं कन्हिया भैया अभी के तो फनु फैसला करियो कोई केस मुकदमा नहीं भैया जाए छियो लड़ाई ले ली दुर्गा माई से। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। जैसे ही युद्ध हुआ ना, मैया एक त्रिशूल मारती है जोर से, मर जाता है बेचारा निशुंभ। जैसे ही निशुंभ मरता है उधर भाई को पता चल जाता है और जैसे ही शुंभ को पता चलता कि मेरा भाई मर गया है, अट्टहास करते हुए आता है। अरे मेरा भाई मारा गया। इस दुर्गा ने मेरे भाई को मार दिया। अरे कोई दो चार पांच आदमी है। अरे इसे ले जाओ बटेसर स्थान वहां जाकर दाह संस्कार कर दो। उधर ही भोज भात कर देना। मैं इधर फैसला करूंगा दुर्गा से। और यदि मौका मिला मेरी तरफ से पूरी जलेबी का भोज कर देना। बोलिए जगन माता भगवती की। ये तात्पर्य है सज्जनों कि मनुष्य जब शरीर छोड़ता है सुर असुर सभी को उसी घाट में जाना होता है। और जैसे ही उनको लेकर के चले गए,
शुंभ कहता है अरे अरे सावधान सावधान, इधर उधर रहने वाले इधर उधर रहने वाले और हल्ला गुल्ला करने वाले, हल्ला गुल्ला करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, केवल मेरी लीला देखे, केवल मेरी लीला देखे। आज दुर्गा जी से कैसा भयंकर युद्ध, दुर्गा जी से कैसा भयंकर युद्ध होता है। आकाश थर थराएगा, आकाश थर थराएगा, पृथ्वी डगमगाएगी, पृथ्वी डगमगाएगी, ग्रह नक्षत्र सब कांपने लगेंगे, ग्रह नक्षत्र सब कांपने लगेगा। इसलिए इसलिए बिल्कुल सावधान हो जाए, बिल्कुल सावधान हो जाए। अरे अरे ओ दुर्गे, ओ दुर्गे, तू ही दुर्गा हो, वही दुर्गा हो जिसने धूम्रलोचन को, जिसने धूम्रलोचन को, चंडमुंड को, चंडमुंड को, रक्त बीज को, रक्त बीज को, और मेरे भाई निशुंभ को, मेरे भाई निशुंभ को तू मार डाली, तुमने मार डाली। ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। दुर्गा जी कहती हैं क्यों ठीक नहीं हुआ, कहती हैं कैसे ठीक नहीं हुआ, बोलो। कैसे ठीक नहीं हुआ, कैसे ठीक नहीं हुआ, तू तू इतना अन्याय कर रहे हो, इतना पृथ्वी पर, पृथ्वी पर तीनों लोकों में, तीनों लोकों में तो ये क्या ठीक कर रहे हो, तुम ये क्या ठीक कर रहे हो, बिना मतलब का, बिना मतलब का किसी को मारना, किसी को मारना, किसी को सताना, किसी को सताना, किसी को भय दिखाना, किसी को भय दिखाना, ये सब ठीक काम है, ये सब ठीक काम है। और इसीलिए, और इसीलिए मैंने उन सब का संहार किया, और अब तुम्हारी बारी है, और अब तुम्हारी बारी है। तूने सोचा था, तुमने सोचा था कि मैं दुर्गा से विवाह करूंगा, तूने सोचा था कि मुझसे विवाह करने, तूने सोचा था कि मुझसे विवाह करने, लेकिन लेकिन मेरी प्रतिज्ञा थी, मेरी प्रतिज्ञा थी जो मुझे युद्ध में हरा देगा, जो मुझे युद्ध में हरा देगा उसी के साथ मैं शादी करूंगी, शुंभ कहती हैं अरे अरे तूने तो सबको मार दिया, तूने तो सबको मार दिया, और मैं अगर बचूंगा, मैं अगर बचूंगा युद्ध में, युद्ध में तब न विवाह होगा, तब न विवाह होगा, यदि यदि तू मुझे भी मार दोगी, यदि तुम भी मुझे मार दोगी तो फिर कैसे होगा, तो फिर कैसे होगा, तो फिर मैं तो मारा जाऊंगा, मैं तो मारा जाऊंगा। दुर्गा जी कहती हैं तुम मर जाओ दुष्ट, तुम मर जाओ दुष्ट, जितना जल्दी हो मर जाओ, जितना जल्दी हो मर जाओ, तुम्हें मैं देखना नहीं चाहती, तुम्हें मैं देखना नहीं चाहती, जिंदा रखना भी नहीं चाहती, जिंदा रखना भी नहीं चाहती। इसलिए इसलिए तुम बिल्कुल सावधान हो जाओ, बिल्कुल सावधान हो जाओ, अंतिम युद्ध है, फैसला है, अंतिम युद्ध है, फैसला है। असुर कहते हैं तो तुम भी सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, तुम भी शादी कर रही हो इधर, शादी करेंगे, बराबर जो है त्रिशूल चमका रही हो, तुम मुझे चमका रही हो, देख रहे हो मेरा तलवार, देख रहे हो मेरा तलवार, ये जाता है सात समुद्र के पार, ये जाता है सात समुद्र के पार, कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता इसका वार, इसका लार। अब मैं जिंदा रहूं, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, या मर जाऊं, मेरे लिए नाश्ता है तैयार, मेरे लिए नाश्ता है तैयार। दोनों परस्पर युद्ध करते हैं,
भयंकर दुख हो रहा है। धीरे धीरे जैसे ही युद्ध हो रहा था, एक ऐसा समय आया कि भगवती ने अपना त्रिशूल उसके छाती पर निशाने पर रखा और धीरे 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 पूरा का पूरा त्रिशूल उसकी छाती से लगा दिया भगवती ने। इस प्रकार शुंभ का भी संहार हो गया। बोलिए जगन माता भगवती की, शुंभ महाराज की। चलिए, वो भी बेचारा धन्य था, माँ के हाथों शरीर छूटा। वो असुर भी धन्य है, जिन्हें भगवान ने अपने हाथों संहार किया। और इससे सामीप्य सायुज्य कहते हैं कि मुक्ति मिलती है। और असुर कितना भाग्यशाली था। और एक लीला और देखेंगे, अति विचित्र लीला, एक भजन सुनेंगे बलवीर जी से। कुछ कुछ भजन का आनंद हम आप सबसे लेते जाएंगे क्रमशः, और इधर आनंद भी लेते जाएंगे, साथ ही साथ कुछ कुछ भाव भी, उद्गार भी, फिर सम्मान के भी कार्यक्रम है। चौबीस तारीख से, ठीक है भैया भाई, आज 2 तारीख, आज माँ की विदाई जिस प्रकार घर से बेटी की विदाई होती है, आज माँ हम लोगों से विदा होके अपने ससुराल को जाएगी। भक्त माँ से विनती करती है, रे रे बेदार रे तो चली, ये कैसी घड़ी आई रे, मैया की विदाई है, मैया की विदाई है, ये कैसी घड़ी आई है रे, ये कैसी विदाई है।
सब देखे मैया तेरे रूप निराले हमने सब देखे पल में दुर्गा पल में काली पल में दुर्गा पल में काली रूप धरे ऐसे माँ की महिमा माही जाने माँ की महिमा माही जाने हम बालक क्या जाने अल्लाह की विदाई है ये कैसी घड़ी आई है ओ के साथ साथ हम लोगों का भी रैन बसेरा 9 दिन से यहां है 9 दिन का ये रैन बसेरा 9 दिन का ये रैन बसेरा सबको रुलाएगे अपने घर जाएगी अल्लाह की विदाई है मैया की विदाई है मैया की विदाई है मैया की विदाई बोले दुर्गा महारानी की कुछ देर और आप लोग बैठे रहे हैं आज अंतिम दिन है फिर यहाँ कल कथा नहीं होगी इसलिए कुछ देर धैर्य बना कर रहे हैं कहते हैं माँ की ज्योति से नूर मिलता है भक्तों के दिलों को शुरूर मिलता है और जो भी सच्चे मन से जाते हैं माँ के दर पे उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है
काल के पंजे से माता बचाओ जय माष्ट भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ जय माष्ट भवानी माँ, जय माष्ट भवानी माँ, जय माष्ट भवानी। ओ नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरो वाली ऊंचे डेरो वाली बिगड़ी बना दे तेरे काम। नाम रे ओ नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरो वाली ऊंचे डेरो वाली बिगड़ी बना दे तेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। राम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। राम रे कठिन भव ऐसी घड़ी है विपदा आन पड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखाओ रसताए मैया रसता रो के खड़ी है, ओ रसता रो के खड़ी है। मेरा जीवन बना संग्राम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे छुड़ाए बुझती ज्योत जगाए, ओ बुझती ज्योत जगाए। जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसका बन जाए, ओ तू उसकी बन जाए। तीनों लोग करे तो है प्रणाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाले ऊंचे तेरों वाले बिगड़ी बना दे मेरे काम। नाम रे हो
सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाले बिगड़े बना दे मेरे राम नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे राम नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे राम नाम रे एक सक्रिय कार्यकर्ता देखिए है ना भैया क्या नाम चाहेंगे कि एक बार जोरदार जयकारा बोल दे सच्चे दरबार की आवाज जोरदार होनी चाहिए आज हमारे गुरुदेव आपके साथ साथ हैं और आज कथा का विश्राम दिन है और माता रानी का दरबार सजा हुआ है और सबका फरमाइश है एक प्यारा सा भजन लेकिन गुरु जी का आदेश नहीं है लेकिन हम गुरु जी से हर मंच पर ये भजन गाने से पहले उनसे आदेश लेते हैं कि आदेश दिया जाए क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं का एक फरमाइश होता है प्यारा सा भजन नगरह वाले रामू बाबा आया है तेरे दर पे सवाली और गुरुजी से हर मंच पर क्षमा मांगते हुए गाते हैं गुरुजी गलती हो जाए तो आप ही क्षमा करने वाले हैं क्योंकि इतने मेरे गुरु भाई हैं उनका इच्छा होती है कि ये भजन आप गाएं इसलिए गुरुजी से क्षमा मांग कर मैं ये गीत भजन गाना चाहूँगा सभी कार्यकर्ताओं के लिए हमारे शक्ति योगपीठ के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबके लिए मैं ये भजन गाऊँगा चाहेंगे एक बार जयकार हाँ बोल दे गुरुदेव भगवान की जय बोल दुर्गा महारानी की जय टूटी हुई तस्वीर बनती है
और तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आए हैं लब पे बन के कमाली। और हम चाहेंगे कि सभी बजाएंगे मीठी मीठी ताली, सभी एक बार दोनों हाथ उठा के। आज गुरुदेव, सबको पता है कि गुरुदेव का जन्मभूमि नगरा है और इनका पुराना नाम रामू बाबा है, इसलिए हम भजन गाते हैं क्या नगरा वाले रामू बाबा आया है तेरे दर पे सवाले। नगरा वाले रामू बाबा आया है तेरे दर पे सवाले। लब पे दुआएं आंखों में आंसू दिल में उम्मीदें और झोली खाली हवा तेरे दर पे सवाली। दर पे सवाली आया है दर पे सवाली बाबा। हमारे गुरुदेव का कहना है कि एक ही कुरान सबका, एक ही गीता भी है और अजमत मरियम भी है तो अजमत सीता भी है। और पूछ ले कोई गीता से, पूछ ले कोई कुरान से, हो नहीं सकता जुदा इंसान कभी इंसान से। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक बार दोनों हाथ उठाकर सभी लोग भैया, आप लोग भी और जितने भी हमारे शिव शक्ति योग पीठ के सदस्य हैं, जितने भी हमारे गुरु भाई बहन हैं, सभी एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे और मीठी मीठी तालियां ऊपर बजाकर कहना क्या है नगरा वाले रामू बाबा आया है तेरे दर पे सवाले। नगरा वाले रामू बाबा आया है तेरे दर पे सवाले। नसीब नहीं होती और जिंदगी सबकी खुश नसीब नहीं होती, जिसे मिल जाए गुरुदेव के चरणों की धूली उसकी किस्मत कभी बदनसीब नहीं होती। एक बार जोर कर जयकारा हो, बोलते गुरुदेव भगवान की जय। और मीठी मीठी ताली बजाकर कहना क्या है नगरा वाले रामू बाबा आया है तेरे दर पे सवाले। नगरा वाले रामू बाबा आया है तेरे दर पे सवाले। दर पे सवाले आया है दर पे सवाले नगरा वाले रामू बाबा आया है तेरे दर पे सवाले। लब पे दुआएं आंखों में आंसू दिल में उम्मीदें और झोली खाली बाबा। सभी दोनों हाथ उठाना जिनके जिनके प्यारे प्यारे हाथ हैं और गुरुदेव के लिए एक बार जोर दर जयकारा बोलते स्वामी जी महाराज की जय। और मीठी मीठी ताली ऊपर, जिसको हाथ ना हो बगल वाले से पैसा ले लेना। जिनको हाथ नहीं है वो बगल वाले से पैसा ले लेंगे, लेकिन दोनों हाथ ऊपर करेंगे। कहते हैं पवन भैया
कहते हैं कि जिनके दोनों हाथ ऊपर वो हमारे गुरुदेव के सबसे सुपर, जिनके दोनों हाथ ऊपर वो हमारे गुरुदेव के सबसे सुपर, और जिनके दोनों हाथ नीचे वो नगरह और वैसी के पीछे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करिएगा सभी लोग, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करना। आज गुरुदेव कुछ देने वाले हैं, हाथ ऊपर करके ले लो सभी लोग। सभी लोग भैया दोनों हाथ ऊपर करके और मीठी मीठी ताली बजाकर कहना क्या है, बैठे हुए हैं। जब दोनों का तपस्या पूरा हुआ तो मैया ने दोनों को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। देखिए पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और ये सूरत समाधि 9 दिन से नवरात्रा का व्रत पूरा करके फिर माता दर्शन देती हैं। एक ने मांगा कि राज्य हो जाए तो राज्यपाट मिल गया, दूसरे ने मांगा था कि मुझे भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, और उनको वो प्राप्त हो गया। दोनों सूरत समाधि बहुत देर से 9 दिन तक नवरात्रा में तपस्या करते हैं, माता का की कृपा होती है, वरदान मिलता है। और चलिए हमारे यजमान महाभाग जहाँ कहीं हैं चले आवेंगे मंच पर, चुके फिर कुछ कुछ और भी आनंद लेंगे, आरती भी माँ की होगी, सब लोग आनंद लेंगे और सब लोग दो बार माँ का पावन नाम ले लेंगे आज फिर, और उसके बाद क्रमशः हम सुनेंगे अपने रामानुज जी से भी, फिर आभार प्रकटीकरण हमारे उद्घोषक नंदलाल जी करेंगे समस्त ग्रामवासियों की ओर से, समिति की ओर से बहुत अच्छा। और हमारे आ गए यजमान महाभाग, सब लोग दो बार नाम ले लें भगवान का भैया। जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी, 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 जय माता दुर्गे, जय माँ, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ गौरी, 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 जय माँ
जय मां शारदा जय मां ज्ञानी जय मां शारद जय मां शिवानी जय मां शारद जय मां शिवानी जय मां दुर्गे जय मां दुर्गे जय मां ज्ञानी काली जय मां भीषहरी जय मां काली जय मां भीषहरी जय मां काली जय मां भीषहरी जय जय मां जय 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 मां ब्रह्मानी जय 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 मां दुर्गे जय मां काली जय मां दुर्गे जय मां काली जय मां सीता जय मां राधा जय मां सीता जय मां राधा जय मां सीता जय मां राधा जय वैष्णवी जय जय रुद्राणी जय जय वैष्णवी जय रुद्राणी जय मां दुर्गे जय मां भवानी जय मां दुर्गे जय जय मां दुर्गे जय मां भवानी जय मां दुर्गे जय मां भवानी जय मां दुर्गे जय मां भवानी मां सूरत समाधि को वरदान देती है। फिर हम आप कुछ कुछ देर भजन का और भी आनंद लेते जाएंगे। बिल्कुल हम सब लोग स्थिर रहेंगे। कल विसर्जन का पावन कार्यक्रम है और माता की कृपा से सबके लिए भूरी सा साधुवाद आशीर्वाद है ही। और देखिए एक पक्षी एक जीप चला आया है सुनने के लिए। मानसोपचार सब कुछ माँ काली की आरती सब लोग आज मिलजुल करके करें। आरती श्री काली जननी की आरती श्री काली जननी आदि शक्ति भव भय आदि शक्ति धरणी त्रिगुणी की आरती श्री काली आरती श्री काली जननी की विधि विधि हरि हर नत शंकर हरिहर नल संकर रवि शशि गणपति शशिपति रवि शशि गणपति पावक पवन वरुण बहु पावक पावक पवन वरुण बहु भावक
सर्वेश्वरी काल रमणी सर्वेश्वरी काल रमणी की आरत श्री काली जननी आरत श्री काली जननी के सकल देव मुनि गर्जन पावक तीन लोक मां श्यामा सासत तीन लोक मां श्यामा सागर चौदह भुवन तेज तब भासत चौदह भुवन तेज तब भासत परम ज्योति परम ज्योति मयतम समनी की आरती श्री काली जननी आरती श्री काली जननी की मधु कैटव संहार कारिणी तब संहार कारिणी महिषासुर दनुजात मारिणी महिषासुर दनुताज तारिणी शुंभासुर विदारिणी शुंभनि शुंभ सुरभि तारिणी अन्य दनुज गण छल अन्य दनुज गण छल हननी आरत श्री दुर्गा जननी आरती श्री दुर्गा जननी आरती श्री तारा जननी आरती श्री तारा जननी नयन भुज चार धारणी नयन भुज चार धारणी जीवलोल मुख मुक्ति कारिणी जीवलोल मुख मुक्ति कारिणी कच कुछ मेरु तारिणी अनुज गगज मुझ ले तारिणी असी बर अभय असी बर अभय मुंड मतनी आरत श्री आरती श्री काली जननी अट्टहास हसी रूढ़ सवासन अट्टहास रल रूढ़ सुवासन अट्टहास हसी रूढ़ सवासन अट्टहास हसी रूढ़ सुवावन अट्टहास हसी रूढ़ सुवावन श्यामा श्याह स्वरूप विभीषण श्यामा श्याह स्वरूप विभीषण काम बीज मई भीम काम बीज दल बीज लगन काम बीज मई भीम लगन काम बीज दल बीज लगन तन महाश्मशान महाशाम शान मुक्त जननी की आरती श्री आरती श्री काली जननी की आरती श्री काली जननी की आरती श्री काली जननी की गली महुया आरती जो गावे गली महुया आरती जो गावे काल का
मृत्यु न पावे भोग स्वर्ग पर पद सोई पावे भोग स्वर्ग पर पद सोई पावे रसिक ब्रह्ममय जग जननी रसिक ब्रह्ममय जग जननी आरती श्री काली जननी के 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 आरती से काली जननी के आरती से काली आरती पूर्ण हुआ नंदलाल जी।